हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज की वीडियो हम करने वाले तीन डिवाइस के बीच में चार्जिंग का टेस्ट। तो हाँ गाइस, इन तीनों ही डिवाइस में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। अब देखते हैं ये डिवाइस अपने अपने जो कि बैटरी को कितने टाइम पहले यहाँ पर से चार्ज कर लेते हैं, तो बेसिकली आज हम उसी का टेस्ट करने वाले। अगर बात करते हैं सबसे पहले डिवाइस की, तो वो है सैमसंग की तरफ से सैमसंग का लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी M31S जो कि स्मार्टफोन। और बात करते हैं दूसरा डिवाइस, तो दूसरा डिवाइस भी है रियलमी की तरफ से Realme X2। एंड गाइस, यहाँ पर से बात करते हैं तीसरे एंड जो कि लास्ट डिवाइस के बारे में, जो है Poco X2। जहां पर अगर बात की जाए इनके बैटरी कैपेसिटी के बारे में, तो Poco X2 में मिलते हैं 4500 एमएएच की बैटरी, Realme X2 में मिलते हैं 4000 एमएएच की बैटरी। एंड देन यहां पर से आपको मिलते हैं अपना सैमसंग के फोन में काफी ज्यादा बड़ी यानी कि 6000 एमएएच की बैटरी। और गाइस, जो कि चार्जर यहां पर से लिए वो उसी कंपनी के साथ यानी कि जो हमारे बॉक्स के साथ आते हैं उसी ओरिजिनल चार्जर यहां पर हम जो कि यूज करने वाले। जहां पर देख सकते हो सैमसंग का कुछ इस तरह से Type-C to Type-C वाला हमारे चार्जिंग मिल जाते हैं। बात करते हैं यहां पर अगर रियलमी के, तो यहां पर आपको मिल जाता है इस तरीके से बड़ा सा ब्रेक। एंड गाइस, यहां पर बात करते हैं Poco X2 के, तो यहां पर मिलता है आपको टर्बो चार्जर। तो इन्हीं जो कि चार्जर के मदद से हम इसे जो कि चार्ज करने वाले। एंड फाइनली देखते हैं कि कौन सा फोन अपने जो कि बैटरी को जल्दी से यहां पर से चार्ज कर लेता है। तो चलिए फटाफट से यहां पर से मैं कनेक्शन कर देता हूं तीनों डिवाइस का, एंड देन फिर हमारा जो कि टेस्ट है वो जो कि चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी का अभी इस वीडियो को लाइक है जरूर कर देना है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है। तो बस उस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए मैं फटाफट से करता हूं इन सारे जो कि डिवाइस का कनेक्शन। जो हमारे तीनों ही फोन का कनेक्शन है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो चुका है। अब करते हैं यहाँ पर है हमारे जो कि स्टॉप वॉच को चालू और करते हैं हमारे जो कि पावर बटन को ऑन, एंड देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फोन कितने परसेंट यहाँ पर से बैटरी को चार्ज करके ले सकता है। एंड जैसे कि गाइस यहाँ पर से देख ही पा रहे होंगे तीनों ही डिवाइस में यहाँ पर से डिस्प्ले आ ही चुकी होगी है, और यहाँ पर से देख सकते हो 1% की बैटरी यहाँ पर है, यहाँ पर तो जीरो ही बता रहे हैं। और इस फोन के अगर पोको की बात करें तो यहाँ पर भी 1% यहाँ पर हमारी जो कि बैटरी है। तो चली गई यहाँ पर हमारे जो कि स्टॉप वॉच भी चालू हो चुका है। तो कुछ यहाँ पर से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है इन्हीं जो कि स्मार्टफोन के यहाँ पर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि गाइस यहाँ पर से मैंने आपको बताया कि सैमसंग गैलेक्सी M31 में आपको मिलती है 6000 एमएएच की बैटरी, और यहाँ पर जो आपको चार्जर मिलता है वो है 25 वाट का, जहाँ पर इसे जो कि फास्ट चार्जिंग करने में काफी हेल्प करेगा। अगर बात करते हैं यहां पर हमारे रियलमी के स्मार्टफोन की, तो यहां पर रियलमी X2 में लगी है 4000 एमएच की बैटरी, एंड देन यहां पर से दिया गया है 32 वाट का फास्ट चार्जर। एंड गाइस यहां पर से बात करते हैं लास्ट डिवाइस जो है Poco X2, जहां पर दिया आपको 4500 एमएच की बैटरी, एंड यहां पर से आपको देखने के लिए मिलता है 27 वाट का फास्ट चार्जर। अब गाइस इन तीनों ही जो कि बैटरी देखेंगे तो अलग अलग से कैपेसिटी है और अलग अलग सा चार्जिंग सा स्पीड यहां पर आपको मिल जाता है। तो देखते हैं कि जो सारे जो स्मार्टफोन है कितने परसेंट मतलब कितने टाइम में अपने जो कि बैटरी को फुल्ली चार्ज कर लेते हैं। एंड गाइस यहां पर से अगर प्रोसेसर की बात की जाए, तो जो हमारा रियलमी एंड पोको है वहां पर आपको एक ही प्रोसेसर मिलता है Qualcomm Snapdragon 730G। एंड गाइस यहां पर अगर हम बात करते हैं सैमसंग की, तो यहां पर से लगाया गया Exynos का 9611 का प्रोसेसर। अब गाइस चलिए यहां पर से एक बार बैटरी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर 2% के बैटरी हो चुके हैं, एंड यहां पर 3% की हो चुके हैं, एंड यहां पर से बात करते हैं तो यहां पर भी 2% की बैटरी हो चुके हैं। अब लेते हैं हम यहां पर से 15 मिनट का यहां पर से थोड़ा सा ब्रेक। 15 मिनट होने के बाद यहां पर से देखते हैं कि कितना यहां पर से जो कि बैटरी चार्जिंग हो चुके हैं। तो चलिए लेते हैं यहां पर से एक जो कि 15 मिनट का ब्रेक। लेकिन अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस जरूर कर देना। आई नो मुझे पता है कि यहां पर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है, लेकिन यहां पर से जो कनेक्शन है वो करने में हमारा जो कि मेन बोर्ड है इलेक्ट्रिक का, वो यहां पर से पास में होना जरूरी है। तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक का बोर्ड जो मेरा मेन जहां पर से मैं वीडियो शूट करता हूं वहां तक नहीं आता है। तो यहां पर आपको थोड़ी सी मतलब कि क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी, लेकिन थोड़ा सा यहां पर जो कि एडजस्ट कर लेना। चलिए यहां पर से मिलते हैं 15 मिनट के ब्रेक के बाद में। एंड गेन यहां पर से देख सकते हो हमारे जो कि 50 मिनट है वो कंप्लीट हो चुके। अब देखते हैं कि कितना परसेंट यहां पर से जो कि हमारी बैटरी चार्ज हो चुकी है 50 मिनट्स में। चलिए सबसे पहले सैमसंग की चेक करते हैं कि कितने परसेंट बैटरी हो चुके। तो यहां पर गाइस देख सकते हो 21% यहां पर से चार्ज हो चुके, और गाइस 21% काफी अच्छा एक नंबर है, क्योंकि 6000 एमएएच की बैटरी उसे इतना ज्यादा जल्दी चार्ज करना पॉसिबल नहीं। फिर भी सैमसंग ने काफी अच्छा काम करके दिखा है, 21% चार्जिंग हो चुकी है। बात करते हैं हमारे रियलमी की, तो रियलमी में तो मतलब काफी फास्ट है, यहां पर से देख सकते हो हुक चार्जिंग चल रहे है, 34 यहां पर से परसेंट बैटरी हो चुके। तो यहां पर तो काफी ज्यादा तेज यहां पर आपको मिल गई। ऑब्वियसली बात है बैटरी भी कम है और फास्ट चार्जिंग काफी ज्यादा मतलब है, इस वजह से यहां पर आपको काफी जल्दी से बैटरी चार्ज हो रही है। बात करते हैं Poco X2 की, तो यहां पर से हो चुके हैं 29% की बैटरी, यानी कि गाइस देखा जाए तो मतलब सभी डिवाइस में काफी अच्छी तरीके से काम यहां पर से करके दिखाया है। जहां पर अगर लीड करते हुए बात करें तो वह है रियलमी X2
H2 क्योंकि यहाँ पर बैटरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो रही है। एक तो यार मतलब बैटरी कैपेसिटी कम है 4000 mAh के और फास्ट चार्जिंग 33 W की, इस वजह से चार्जिंग का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। इसी वजह से रियलमी X2 काफ़ी ज़्यादा जल्दी से चार्ज हो रहा है। लेकिन गाइस सैमसंग की मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात लगी है अभी तक की, क्योंकि गाइस अगर देखेंगे 6000 mAh की बैटरी और उसे मतलब इतने 25 W से चार्ज करना, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी सी बात हो जाती है। तो ऐसे में 22% चार्जिंग हो चुके हैं यहाँ पर से अगर देखेंगे 16 मिनट में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फास्ट चार्जिंग मानी जाएगी। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा फ़ोन विन होगा, कौन सा फ़ोन यहाँ पर से जल्दी चार्ज होगा, कौन सा फ़ोन यहाँ पर से लेट में चार्ज होगा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल अगर वीडियो भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन उसे भी आप प्रेस जरूर कर देना। अब चलिए हम से मिलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर से 30 मिनट के बाद में, पूरे के पूरे आधे घंटे के बाद में। एंड गाइस यहाँ पर आप चार्ट भी देख पा रहे हो, चार्ट्स के मदद से भी यहाँ पर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एंड लास्ट में पूरा 100% होने के बाद भी चार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो 30 मिनट का टाइमिंग हो चुका है। एंड देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कौन सा फ़ोन कितना परसेंट चार्ज हो गया है। सैमसंग देख सकते हो 37% का यहाँ पर से चार्जिंग हो चुके हैं। एंड गाइस बात करते हैं रियलमी X2 की, तो रियलमी X2 पूरा का पूरा 20 चल रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सुपर फास्ट चल रहा है। 66% यहाँ पर से जो कि चार्जिंग हो चुकी है। एंड देन गाइस यहाँ पर से बात करते हैं पोको X2 की, तो यहाँ पर आपको 59 यानी कि 59% की चार्जिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर से देख तो मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहे हैं यार, मतलब कि सभी की चार्जिंग। एंड गाइस यहाँ पर से आप ये भी देख पा रहे हो कि मतलब सैमसंग भी काफ़ी सही तरीके से चार्जिंग का मतलब पीछे पड़ गया है, लेकिन एनीवेज कोई प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि 6000 mAh की बैटरी, तो ऑब्वियसली बात है उसे चार्ज करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो रियलमी है वो यार मतलब एक अलग ही टाइम में चल रहा है। यहाँ पर से देख सकते हो कितना मतलब फास्ट चार्ज हो रहा है। एंड पोको भी काफ़ी सही तरीके से चार्ज हो रहा है, यहाँ पर भी 60% की बैटरी चल रही है। तो देख सकते हो कि पोको X2 में यहाँ पर से जो बैटरी है 4500 mAh की मिलती है। एंड यहाँ पर से जो है जो कि चार्जिंग स्पीड वो भी 27 W आपको मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से बीट कर रहा है ये मतलब कि रियलमी X2 डिवाइस को। एंड यहाँ पर से बैटरी भी कम है लेकिन फास्ट चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा दी गई 33% की, लेकिन फिर भी यहाँ पर से देख सकते हो 68% यहाँ पर से अभी तक ये जो कि चार्ज हो गया है। एंड देन गाइस यहाँ पर से आप डायरेक्टली मिलते हैं 1 घंटे के बैटरी बैकअप के बाद में। अब गाइस मुझे पता है 1 घंटे से पहले ये जो कि फुल चार्ज हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं अगर 1 घंटे में चार्ज नहीं होता है 100% तो 1 घंटे में मिलते हैं, या फिर जब भी ये 100% हो जाएगा तब यहाँ पर से मैं वीडियो को कंटिन्यू कर देता हूँ। तो चलिए डायरेक्टली मिलते हैं अब डायरेक्टली 1 घंटे के बाद में। एंड यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर हो चुका है पूरा का पूरा 1 घंटा यानी कि 1 आवर। एंड यहाँ पर से देखते हैं कि अब जो कि फ़ोन की बैटरी कितने परसेंट यहाँ पर से चार्ज हो चुके हैं। बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग देख सकते हो 69% चार्ज हो चुका है, तो ठीक ठाक चार्ज हो चुका है 1 घंटे में। हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस जो कि फ़ोन के, क्योंकि यार 25 W की फास्ट चार्जिंग और साथ ही साथ 6000 mAh की बड़ी बैटरी, तो हम इतना ही इससे जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं हमारे रियलमी X2 की, तो यहाँ पर हो चुके हैं 92% की फास्ट चार्जिंग के साथ में यहाँ पर से चार्ज। एंड यहाँ पर से लास्टली बात करते हैं हमारे पोको X2 की, तो गाइस यहाँ पर से सरप्राइजिंग बात यह है कि ये 98% चार्ज हो चुका है। मतलब कि ये क्या ही बात हो चुकी, मतलब गाइस ये कैसे हो चुका है, जबकि टेक्निकली बात की जाए तो रियलमी X2 सबसे ज़्यादा पहले यहाँ पर से चार्ज होना चाहिए था, जो कि सिर्फ हो चुका है 92%। और पोको X2 की बात करते हैं तो गाइस ये जो कि 98% चार्ज हो चुका है, मतलब ये कैसे हो चुका है। यहाँ पर आपको बड़ी बैटरी मिलते हैं एज कम्पेयर टू बात की जाए रियलमी X2 से 4500 mAh की बैटरी मिल जाते हैं। एंड देन यहाँ पर जो कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है वो भी इतना ज़्यादा फास्ट वाला नहीं, यहाँ पर 27 W का मिलता है। एंड जबकि यहाँ पर 4000 mAh की ही बैटरी है, लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है 33 W का फास्ट चार्जिंग। तो टेक्निकली बात की जाए तो रियलमी X2 सबसे पहले चार्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर से पोको ने पता नहीं कैसे जो कि बाजी मार ली है और यहाँ पर से हो चुके पूरे को पूरे 98% चार्जिंग। अब गाइस ये थोड़ा सा बहुत जो कि ये भी हो सकता है कि गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि कोई भी फ़ोन है 70-80% जो कि चार्ज है काफ़ी ज़्यादा जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से चार्ज होता है। एंड उसके बाद है फ़ोन की जो चार्जिंग की स्पीड है वो थोड़ी बहुत यहाँ पर से कम होने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पर से चार्ट्स में भी देख सकते हो कि यहाँ पर 50% चार्ज है काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हो चुके थे, लेकिन उससे बाद में देखा जाए 1 घंटे में तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग नहीं हुआ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। एंड टेक्निकली बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पर से मुझे लग रहा था कि रियलमी X2 सबसे पहले चार्ज होगा, लेकिन यहाँ पर से मतलब कि हमारा जो पोको X2 उसने बाजी मार ली, वो
98% यहाँ पर से, मतलब कि 99% हो चुका है कि यहाँ पर चार्जिंग हो चुके हैं। एंड देन गाइस यहाँ पर से अब कोई भी टाइमिंग नहीं रखेंगे, क्योंकि ये कभी भी अपना जो कि 100% चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कभी भी ये जो कि 100% हो सकता है। ये तो मुझे लग रहा है पोको स्टो यहाँ पर से कुछ 4-5 मिनट में ही 100% चार्ज हो जाएगा। तो जैसे जैसे 100% ये जो कि टच करेंगे, वैसे वैसे वीडियो को यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं पूरा का पूरा 1 घंटा देख सकते हो कि कैमरा लेकर बैठा हूँ आपके सामने। तो बस मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए इस वीडियो को लाइक या जरूर कर देना, वो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आई नो गाइज मुझे पता है कि यहाँ पर आपको जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाइज इन्हें जो कि पावर अप करना था, एक ही साथ में 3 फोन को चार्ज करना था, इसी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिशियन का बोर्ड है उसके साथ यहाँ पर से मुझे बैठना था, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो थोड़ी बहुत जो क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही होगी, लेकिन उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा। तो बस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड देन गाइज अब डायरेक्टली मिलते हैं डायरेक्टली कौन सा अगर फोन 100% चार्ज हो जाता है तो उसमें यहाँ पर से हम बात करेंगे। एंड चलिए यहाँ पर से मैं 100% चार्ज होने के बाद ही अब आपको दिखाऊंगा कि कितना यहाँ पर से टाइम लगता है फोन को 100% चार्ज होने के लिए। एंड सो गाइज फाइनली यहाँ पर से 1 घंटा 7 मिनट का टाइम हो चुका है और हमारा पोको एस2 डिवाइस जैसे कि यहाँ पर से मैं आपको दिखा देता हूँ 100% चार्ज हो चुका है। जैसे कि मैं यहाँ पर से जूम कर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज यहाँ पर से देख सकते हो कि हमारा फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है। अब पता नहीं गाइज कि ये फ़ोन कैसे 100% चार्ज हो चुका है, जबकि टेक्निकली बात की जाए तो हमारा जो रियलमी एस2 डिवाइस है उसे 100% चार्ज होना चाहिए था। तो चलिए इसे जो कि अनप्लग कर देते हैं। तो ये हमारा फाइनली पहला जो कि स्मार्टफोन निकल के आता है पोको एस2। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पोको एस2 सबसे पहले यहाँ पर से चार्ज होगा, मुझे लगा था रियलमी एस2 यहाँ पर से चार्ज होगा। एंड यहाँ पर से सैमसंग की बात करें तो 77%, एंड यहाँ पर से बात करते हैं रियलमी एस2 तो 95% हो चुके हैं। अब चलिए मुझे तो लग रहा है कि अब रियलमी एस2 ही होगा हमारा दूसरा विनर। एंड लास्ट में यहाँ पर से बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M31 की। गाइज यहाँ पर से 77% यानी कि लगभग 80% यहाँ पर जो फोन चार्ज हो चुका है हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31S। अब गाइज इसमें काफ़ी बड़ी बैटरी है यार, मतलब नॉर्मल बैटरी नहीं, कुछ खाने का काम नहीं, 6000 mAh की बैटरी, वो सिर्फ 25W का फास्ट चार्जर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इस फोन ने भी अपने जो बैटरी को काफ़ी मतलब कि यहाँ पर से चार्ज कराया हुआ है, काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर से फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिले गए सैमसंग गैलेक्सी M31S में, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी और कम फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो उसमें इस जो को फोन ने काफ़ी सही तरीके से काम निकाला गया। बाकी यहाँ पर से रियलमी एस2 ने हमें डिसअपॉइंट किया है, जबकि इसे पहले नंबर पर चार्ज होना था लेकिन ये जो कि चार्ज नहीं हो चुका है। एंड गाइज यहाँ पर से फाइनली हमारा सक्सेसफुली सैमसंग मतलब जो पोको एस2 डिवाइस है उसने 1 घंटा 7 मिनट में यहाँ पर हमारे जो कि फोन है 100% चार्ज हो चुका है। एंड देन गाइज यहाँ पर से अब लास्टली देखने के लिए मिलता है कि चलिए देखते हैं कि अब रियलमी एस2 कब तक 100% चार्ज होता है। गाइज यहाँ पर से काफ़ी टाइम लगा है रियलमी एस2 को यहाँ पर से पूरे का पूरे 100% चार्ज होने के लिए। तो गाइज ये हुआ था 1 घंटा 38 मिनट में, तो यहाँ पर से आपका 1 hour 38 मिनट लगेगा अगर आपको फुल एकदम 100% चार्ज करने अपने जो कि रियलमी एस2 को। अब गाइज ये जो कि खरगोश की तरह 90% तक जब इसके जो बैटरी आ गए थे ना, मतलब सभी से जो फास्ट था, सभी से आगे था ये जो कि 90% चार्ज करने के लिए, लेकिन जब से इसके जो 90 to 100% में जो 10% का जो गैप है, यानी कि 90 to 100 तक जाने के लिए इससे काफ़ी टाइम लगा है। पता नहीं इसे क्या हो गया था और कब इसका जो कि चार्जर किस तरह से इसमें जो परफॉर्म कर रहा था पता नहीं, लेकिन इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है। यहाँ तक कि जो हमारे 6000 mAh वाली बैटरी वो भी 97% तक आ चुका था, लेकिन फिर भी हमारा जो रियलमी एस2 है वो 100% हो नहीं रहा था। तो फाइनली 1 hour 38 मिनट के बाद हमारा रियलमी एस2 भी 100% हो चुका है। अब इसकी जो बैटरी 90% काफ़ी ज़्यादा खरगोश की तरह मतलब है ना, जल्दी जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन आगे 10% है उसमें काफी टाइम लग जाता है यहाँ पर से चार्ज होने के लिए। अब चलिए गाइस डायरेक्टली मिलते हैं यहाँ पर से 100% चार्ज होने के बाद हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31S। एंड फाइनली बात करते हैं फाइनल वर्डी के बारे में, यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हो, चार्ट में अभी भी हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31S का 100% चार्ज होना बाकी है। तो चलिए देखते हो जो कब तक यहाँ पर से हो पाता है। गाइस हमारा जो फाइनली सैमसंग गैलेक्सी M31S है वो भी हो चुका है पूरा का पूरा 100% चार्ज, और इसे 100% चार्ज होने के लिए लगा है 1 hour 44 मिनट्स। तो गाइस 6000 mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग, उस हिसाब से सैमसंग ने मेरे हिसाब से इन दोनों ही फोन से काफ़ी सही तरीके से काम निभाया है। लेकिन गाइस पोको भी कुछ कम नहीं था, पोको ने काफ़ी सही तरीके से यहाँ पर हमने जो कि बैटरी वो यहाँ पर से हो चुकी थी, चार्ज हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर से रियलमी ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग किया यहाँ पर कि 90% तो काफ़ी सही तरीके से हुआ जैसे कि आपने भी देखा, लेकिन उसके बाद का मतलब काफ़ी इसका तालमेल ही बिगड़ गया था। जो 90% के आगे जो 10% चार्ज होने में इसने काफ़ी मतलब कि आधे घंटे के आसपास यहाँ पर से टाइम लगा लिया। तो गाइस ये था चार्जिंग टेस्ट, आई होप
आपके अच्छा लगा होगा या इनमें से आपको पता चल ही चुका होगा कि कौन सा फ़ोन किस तरह से चार्ज वगैरह हो जाता है। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग वो भी मैटर करती है, लेकिन किस तरह से फ़ोन के ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि पोको एक्स में काफ़ी सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन की गई है, जैसे कि यहाँ पर से हमारा सैमसंग गैलेक्सी M31 में इसमें भी काफ़ी सही तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया है, लेकिन रियलमी एक्स टू में इतनी कुछ की खास ऑप्टिमाइजेशन मुझे लगी नहीं है। तो बस ये था आज का बैटरी चार्जिंग का टेस्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, तो लगा है तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार आप लोग तो सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन उसे भी आप प्रेस जरूर कर देना। और चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहें एंड गुड बाय।